संगम की रेती पर लगे माघ मेले का यह दूसरा स्नान पर्व पौष पूर्णिमा का है। गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगानी शुरू कर दी थी। घाटों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। लोक कल्याण का यह पर्व पितरों की पूर्णिमा का पर्व है। पौष पूर्णिमा पर त्रिवेणी में स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद लोग संगम तट पर दान पुण्य भी कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि माघ मेला में 33 कोटि देवी देवता भी संगम में वास करते हैं। बिन मांगे सब कुछ मिले, मांगे मिलाना भी कुछ नहीं मांगते हैं। गंगा मई से स्नान मांगते हैं, उनकी चरणों की सेवा मांगते हैं। गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम में श्रद्धालु स्नान कर आज से कल्पवास का संकल्प लेकर कल्पवास शुरू करेंगे। माघ मेले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। घाटों पर डीप बैरिकेडिंग की गई है। NDRF SDRF के साथ साथ जल पुलिस की तैनाती की गई है ताकि कोई भी श्रद्धालु गहरे पानी में ना जा सके। जैसा कि हम विदित हैं कि आज से माघ मास पौष पूर्णिमा के साथ प्रारंभ हुआ है और पौष पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में कल्पवासी जो कि यहाँ पर माघ मेला क्षेत्र में प्रवास कर रहे हैं और श्रद्धालु संगम तट पर आकर माघ मेला क्षेत्र के विभिन्न घाटों पर भी लगातार स्नान कर रहे हैं। यद्यपि काफ़ी शीतलहर का प्रकोप है, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। इन कल्पवासियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक बंदोबस्त हैं। पार्किंग की सम्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। आवागमन के सारे मार्ग निर्धारित हैं। पूरा मेला क्षेत्र CCTV कैमरों से और ड्रोन कैमरों के माध्यम से इन पर नज़र रखी जा रही है और विभिन्न प्रकार की पुलिस बल, यातायात पुलिस, नागरिक पुलिस, माउंटेड पुलिस, ATS के कमांडोज, STRF की टीम्स और फ्लड कंपनीज के जवान इन कल्पवासियों को सुरक्षित स्नान देने के लिए सारी व्यवस्थापित किए गए हैं और इस प्रकार ये स्नान सुचारू रूप से चल रहा है। कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन कराया जा रहा है। मेला क्षेत्र में CCTV कैमरे से निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। आने और जाने के लिए एकल मार्ग की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या ना हो सके। कोविड को दृष्टिगत रखते हुए जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उसके माध्यम से सारे कल्पवासियों और श्रद्धालुओं से लगातार अनुरोध किया जा रहा है कि मास्क धारण करें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और जो कतिपय लोग जो इसके बावजूद भी नहीं मास्क धारण कर रहे हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार चालान की कार्रवाई कर समन शुल्क वसूला जा रहा है।